maybe I never knew what I really wanted. Guys, welcome back to the channel. Hope आप सब बहुत अच्छे होंगे. तो सुबह का टाइम है. मैं थोड़ा थोड़ा पैकिंग जैसे से मैं बोलती हूँ मुझे याद आता है वैसे वैसे मैं डालती रहती हूँ. तो फिलहाल मुझे ये याद आया है, ये सब दिवाली में मिले हैं इतने सारे कुकीज़ के डब्बे जो कि हम लोग खा नहीं पाएंगे इतना कुछ. तो मैं सोच रही हूँ ये ले जाऊँ. शादी वाला घर है तो ऐसे चाय के साथ में नमकीन वगैरह मतलब बिस्किट कुकीज़ वगैरह खा लेंगे. एंड इसमें मेरा अपना जीत का स्वार्थ भी छुपा है क्योंकि जब भी मम्मी मेरे लिए आते टाइम छेना गजा उड़ीसा का एक बहुत स्पेशल मिठाई है, पहाड़ों का स्पेशल, पहाड़ों एक जगह है वहाँ का छेना गजा बहुत ज़्यादा फेमस है. जीत को मुझे बहुत पसंद है. एंड यहाँ पे हम लोग जब लेके आते हैं ना तो सारे फ्रेंड्स लोग में भी बांटते हैं. तो मम्मी जब भी भेजती है 5-6-7-8 किलो ऐसे भेजती है तो फिर वो डब्बा खरीदती है भेजती है. तो इस बार ये सब डब्बे लेके जाऊंगी. मैं कहा सारा कुकीज़ खाली करो और इन सब डब्बों में मुझे भर भर के छेना गजा लेके आना है. ये बड़े वाले में तो आराम से 7-8 किलो आ जाएगा, बहुत बड़ा है. बाकी छोटे में रसगुल्ला ये सब लेके आएंगे. तो इसीलिए मैं सोच रही हूँ ये डब्बे यहाँ पे कोई भी खाता नहीं है तो ये सब ले जाऊंगी. वहाँ पे फिनिश भी हो जाएगा, फिनिश नहीं भी होगा मेरा दूसरे डब्बे में रखो और उसमें मुझे मिठाई पैक करके दे दो. तो चलिए ये सब भी मैं डाल दूंगी. अभी हनी बनी के लिए एक ओपन किया है तो वो एक मैं रख दूंगी, वो खा रहे हैं. बाकी ये 3 डब्बे जो हैं ये मैं ले जाऊंगी. ठीक है. और एक डिलीवरी आया है उसको मैं ओपन करती हूँ. अच्छा 2-3 चीज़ें मैंने मंगवाई है, कौन सा डिलीवर हुआ है मुझे याद नहीं. मैं ओपन करती हूँ फिर आप लोगों को दिखाती हूँ. Looking back, I can see it's all clear. I'm still a kid trying to act like they all taught me. Guys, ये Bath and Body Works का ही मैंने ऑर्डर किया है. नॉर्मली मैं इसी ब्रांड का ही हमेशा यूज़ करती हूँ, बॉडी वॉश हो चाहे बॉडी लोशन हो. तो ये दो है बॉडी वॉश, ये मैंने अपने लिए मंगवाए हैं. एक मेरा बिल्कुल ख़त्म हो गया तो एक तो मैं यहीं पे यूज़ कर लूँगी एंड एक मैं इंडिया लेके जाऊँगी. बाकी ये सब जो है ये मैंने लिया है बॉडी क्रीम्स हैं. यस, बॉडी क्रीम है, बॉडी लोशन है, बॉडी क्रीम्स है. तो ये करीब 12 पीस मैंने लिया है. जैसे कि मैंने बताया था इस बार ज़्यादा कुछ हम लोग गिफ्ट किसी के लिए लेके नहीं जा पा रहे हैं बिकॉज ऑफ लगेज. तो ये ले लिया है साथ में. दुबई से कोई भी जाता है तो डेट्स तो पक्का लेके ही जाता है, खजूर तो वो ले जाएंगे. एंड ऐसे गुडी बैग्स ले लिए हैं तो इसमें एक ये कुछ हाथ डेट्स कुछ छोटे मोटे टॉफीज वगैरह डाल के दे देंगे. ये सारे सिग्नेचर कलेक्शंस है. कितना सुंदर लग रहा है ना एक साथ ऐसे देख के. बट नॉर्मली इसमें हमेशा ऑफ़र रहता है बट इस बार जब मैंने ऑर्डर किया कोई भी ऑफ़र नहीं था. उल्टा भाई बोल रहा था कि इंडिया में अभी इसमें ऑफ़र चल रहा है बट जब मैंने ऑर्डर किया था तब इसमें मुझे कोई भी ऑफ़र नहीं मिला. स्पेशली सिग्नेचर कलेक्शन में ज़्यादा कभी ऑफ़र नहीं मिलते हैं बट अच्छे होते हैं काफ़ी. एंड कितने सुंदर लग रहे हैं. मैंने सोचा कि ज़्यादा लगेज बट ये भी काफ़ी हैवी है. देखते हैं कहीं पे ऐसे एडजस्ट करते हैं. तो चलिए सब ये सब भी मुझे पैक करना है. ये रख देते हैं, ये बैग भी इसी के अंदर रख देती हूँ ताकि याद आ जाएगा जाते टाइम लेट के जाने में. माई नंगी आई नीड टू वे बोल रहे मैं नंगा हूँ आई नीड टू वे. ओके कम 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 मामा विल मेक यू वेयर कम कम. व्हाट फर्स्ट ऑफ ऑल यू से इट्स गोरिल्ला गिलीला व्हाट गिली Hey!
बदमाश बदमाश बनू बदमाश बनू एंड दिस इज बदमाश हनू। लाइट लगाएंगे अभी गाइस, देखिए व्यू देखिए कितना सुंदर लगता है सनसेट वाला व्यू। इट्स ऑलरेडी ब्रोकन डोगो, व्हाट यू विल डू अगेन? हम विल फिक्स इट। हाउ यू विल फिक्स इट? लेग इज ब्रोकन। या एंड सी और हाउ यू विल सी? कैसे हैं आप? बढ़िया है, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। ये टोंटे की तरह क्यों हो गई फिर अचानक? हम टोंटा टोंटी हैं। तोती? तोते दा तोती होता है वो वाला? अबे तोते दा मैना होता है भाई, तोता तोती। अरे तोतला तोतली, तो इतनी तोतली हो गई कि तोतली को भी तोती बोल गई। इसके तो तोते उड़ गए भाई, इसके तोते उड़ गए। तो उसका जूता निकालना है। हाँ भाई यही काम रह गया, हम तो बस इनके दिन भर जूता उतार रहे हैं। उतारो पहनाओ उतारो, इचिंग हो रही है। हाँ साला जूता पहनते बोलते इचिंग 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 है ना। तो कैसी लगी आपको मेरी ये तोती मतलब तोतली उर्फ? मैं वो तोते का कौन सा, अगर आप लोग बताइएगा, आप लोग जानते होंगे इतने लोग होता है भाई, हर एक का मतलब थोड़ा सा ई लगा दो तो फिर उसका फीमेल वर्जन हो जाता है, स्त्रीलिंग हो जाता है। तो तोते का तोती क्यों नहीं होता, तोते का मैना क्यों होता भाई? अलग ही बिल्कुल डिफरेंट है ना। तो चलिए गाइस हम लोग अभी निकल रहे हैं ड्रैगन मॉल। ड्रैगन मार्ट क्या है? ड्रैगन मार्ट चाइना। बहुत बड़ा चाइनीज मार्केट है वो, बहुत बड़ा, मतलब 4-5 दिन अगर आपको लगेंगे पूरा उसको कवर करने में। ब्लॉक सारे बने हुए ए टू लेके जेड तक, जी तक, तो ए ए ए बी ऐसे करके पूरा है। मतलब 4-5 दिन अगर आपको लगेगा पूरा कवर करने में, तो मतलब होलसेल टाइप का मार्केट है थोड़ा सा। बट घबराने की कोई लोड नहीं है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वैसे भी यार, वैसे भी अपने करोने पुरोने वहां से तो आते नहीं चाइना से आजकल तो बाकी पूरी दुनिया में फैले हुए। बट लेकिन वो इतना जबरदस्त मार्केट है साला, सिर्फ ओनर ही चाइनीज होता है, लेकिन ज्यादातर ओनर्स इंडियन पाकिस्तानीज भी हैं, बांग्लादेशीज भी हैं, लेकिन वहाँ पे ज्यादातर लोग काम ही यही कर रहे होते अपने सारे, है ना। थोड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स लाइट्स वगैरह ना सस्ते मिल जाते हैं ना, मतलब होलसेल प्राइस में। तो मेरा जैसे कि पता है ट्राइपॉड नहीं है टूटा, पर वो नाम से चाइनीज मार्केट है, एक्चुअली वो प्रोडक्ट पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड से आते हैं। बोलते हैं आप अफ्रीकन मार्केट से इतने आते हैं, यूरोपियन से इतने आते हैं, वो सब सब। और यहाँ पे आपके पास हर जगह पे वो ही मिलेगा, मेड इन चाइना ही मिलेगा। यहाँ क्या हर जगह, पूरे दुनिया में भाई आपका एप्पल फोन भी असेंबल्ड इन चाइना। बट आजकल सुना है कि भारत वर्ष में असेंबल होने लगा तमिलनाडु में, क्या बात है, इंडिया कंसेप्ट, क्या बात है, क्या बात है। तो चलिए गाइस मैं सेल्फी स्टिक से ज्यादा व्लॉगिंग नहीं कर सकती, तो इसीलिए जा रहे हैं एक लेके। एक्चुअली मुझे जो साइज चाहिए था ना वो इधर मीना बाजार में मिला नहीं, तो थोड़ा सा मुझे हाइट वाला चाहिए। हाँ। तो वो ताकि इनके हाइट से मैच हो सके, जो ट्राइपॉड मिला है वो मेरे हाइट से मैच हो रहा है, इनके हाइट ये फिर कट जाएंगे आधा आएंगे। मैं वैसे ही आऊंगा जो एक लेडी आती ना टॉम एंड जेरी में, जिसकी कभी आज तक हमने शक्ल नहीं देखी। ये पहले मुझे वैसे ही कवर करती थी, सिर्फ मेरी आवाज ही आती थी, शक्ल नहीं आती। इनके लिए मुझे एक बड़ा ट्राइपॉड चाहिए, बड़ा बहुत बड़ा। तो एक काम का सीडी ले लेते हैं, ट्राइपॉड की क्या जरूरत है। मैंने अभी तक YouTube के लिए मतलब मुझे कुछ कुछ लेना है थोड़ा सा अच्छा अच्छा कुछ, तो बोला है जीत बाबू से, पर जीत बाबू की मर्जी, बाबा विश्वजीत के देंगे देंगे नहीं देंगे, दखते हैं दखते हैं। तो गाइस बस कुछ ही दिन बच गए हैं, तो आपको हम हमेशा अभी गाड़ी में दिखेंगे, क्योंकि जहाँ एंड मोमेंट तक हम लोग का थोड़ा 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 चुटर मुटर शॉपिंग तो चलता ही रहेगा। गाड़ी में हमेशा नहीं, थोड़े कुछ दिन के बाद हो सकता है कि मैडम आपको हवाई जहाज में भी दिखे। वो तो वो हवाई जहाज में बैठने से पहले गाड़ी में दिखेंगे मोस्टली। छुटर मुटर जो है ना इसका कोई खत्म नहीं होता, छुटर डेली छुटर मुटर करती रहती है। अच्छा लग रहा है अभी ना, बोर करने लगी लोग। अगर बस कोरोना भाई साहब नहीं होता ना तो और ज्यादा अच्छा लगता।
थोड़ा सा, ठीक है चलेगा चलेगा जैसे भी, जो मिला है उसमें सुकून कीजिए। तो चलिए गाइस हम लोग निकलते हैं, कहाँ जा रहे हैं, ड्रैगन मार्ट, ड्रैगन मार्ट, फिर मैं मिलती हूँ आपसे वहाँ पे ब्रेक के बाद। Maybe I never knew what I really wanted, but looking back I can see it's all clear. I'm still a kid trying to act like they all taught me, but nothing makes sense anymore. This also has light. हाँ बहुत मस्त। हमारी बिल्डिंग में ही है, ग्राउंड फ्लोर में है, हम लोग फोर्थ फ्लोर में रहते हैं, ये ग्राउंड फ्लोर में है एंड बट हम इसको इस रेस्टोरेंट में एक साल के बाद आए खाने के लिए। एक ही बात तो आए थे हम लोग ब्रेकफास्ट करने के लिए बस। हनी पनी का नया टॉय बहुत खुश है। Do you want him to get angry? 'Cause nothing makes sense anymore. वहाँ पे बहुत बड़े बड़े, मतलब लंबे लंबे ऊंचे ऊंचे,
ट्राइपॉड से, तो ये अभी ओपन नहीं कर रही हूँ, एक साथ कल ही ओपन करूंगी। तो ये एक लिया है ट्राइपॉड, बड़ा अजीब के हाइट का है ये, अच्छा क्वालिटी है ये लिया है। एंड हनी बनी का ये सब, ये जो उनका आजकल फेवरेट है पॉ पेट्रोल एंड पेपा पिग, तो पॉ पेट्रोल उस टाइम हम उस दिन हम लोग लेके आए थे एंड पेपा पिग लेके आए। देन ये बेबी शार्क, स्पाइडरमैन, इसी टाइप का कुछ है, वैसे चार पांच पांच छह टॉयज, यही सब दो दो ये लेके आए। एंड क्या ले, वो जो मैंने एक कैप पहना था ना ये सर में, ऐसे प्रेस करने से उसकी उसका कान खड़े हो जाते हैं, तो ये लिया है हनी बनी के लिए दो, सर्दियों के लिए वहाँ पे इंडिया लेके जाने के लिए। एंड एक ऐसी नॉर्मल सा घर में पहनने के लिए थोड़ा सा मोटे कपड़े वाला ड्रेस, मोटे मतलब थोड़ा सा उलन टाइप का है ये उसका टी शर्ट एंड ये उसका पैंट। तो बस यही लिया है, एक्चुअली हम लोग ज़्यादा घूमे नहीं वहाँ पे, बस स्टार्टिंग में दो तीन शॉप से बस यही लेके वापस आ गए, क्योंकि वहाँ पे घूमोगे जितना घूमोगे उतना खर्चा होगा, तो बेटर है कि जो चाहिए बस ये हमें लेना था वैसे भी, तो वहाँ पे मिल गया तो वहाँ पे वहाँ से ही ले लिया। तो बस यही, एंड खाना फिर बाहर खा के आ गए। सुनो अच्छा, तो जीत बोल रहे हैं उन, जब वो छोटे थे उनका एक सपना था कि जब वो बड़े होके ठीक ठाक कोई नौकरी कर लेंगे ना, तो उनको वीक में एक दिन बाहर खाना, मतलब ये उनका सपना था बचपन से। मतलब ऐसे बोले, घर में खाना बना था ऐसे बोले कि चलो अपना सपना पूरा करो, वीक में एक दिन बाहर खाओ। खाने के लिए मतलब इतना ज़्यादा फूडी के क्या बताऊँ। बैठ गया है, खुद नहीं ढूंढा तूने ऐसा खोजते टाइम तो कोई आदमी कुछ बोलता नहीं है यहाँ के, क्या नाम मैं ही बोल रहे थे कि जब वो 12th क्लास में पढ़ते थे, क्या दिन का अगर 500 रुपया मिल जाए मतलब क्या लग्जरी लाइफ होगी मेरी, मतलब 15,000 की जब सैलरी लगेगी ना मेरी, तो दिन का मैं 500 खर्चा कर सकता हूँ, क्या खर्चा करूंगा। फिर जब नौकरी लगी, पहली नौकरी लगी भाई, कभी कोई चीज पूरी नहीं पड़ती। पहली जब नौकरी लगी उनकी, मतलब स्टार्टिंग उनका था अच्छा खासा पैकेज था, करीब मतलब ऐसे बोल रही हूँ 50,000 का सैलरी था महीने का, वो भी नहीं कभी पूरा हुआ ना, आज यहाँ तक पहुँच गए फिर भी कुछ पूरा नहीं हुआ। जिंदगी में ना कभी कुछ पूरा नहीं पड़ने वाला, बता रहा हूँ मित्रों। जैसे जैसे बचपन में 10 रुपए होते थे ना, 10 रुपए, उसमें मैं छोले कुलचे भी खाता था, मैं बैठ के आइसक्रीम भी खाता था, कुल्फी भी खाता था, और बहुत मजा आता था। फिर धीरे धीरे बड़े हुए तो लगा यार काश 10 रुपए डेली मिले, फिर धीरे धीरे बड़े हुए तो लगा कि यार 500 रुपए डेली मिले, अब तो पता ही नहीं कि कुछ मिले नहीं मिले। इसलिए कहावत कौन सी है, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, खुद भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। बाबा विश्वजीत, मुझे पता था ये जो हमारी शिष्या है ये अज्ञान है, ये अंधेर, ये घोर अंधेरे में है, इसको कुछ नहीं पता है, ये खाली बकवास करती रहती है इसको, क्योंकि इसको एक बाबा फ्री में मिल गया है ना। मैंने क्या बोला, कुछ नहीं बोला, मतलब हे भगवान आप इतना ही, अरे सब समझ में आता है मुझे, सब समझ में आ गया। तो जो खुद भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए, ये वही साधु है। तो रात के भी 12:30 बज रहे, सारे बच्चे कॉरिडोर में चिल्ला रहे। हाँ पता नहीं आज क्या, ये मतलब पूरा वीकेंड है ना, तो सारे सबके घर से बच्चे निकल के चिल्ला रहे बाहर। अरे वो अंकल आंटी अकेले सो रहे होंगे, वो गुस्सा करेंगे सबके घर में, तो बच्चे वो अंकल आंटी भी आके बाहर डांस करेंगे, अंकल आंटी के तो बच्चे के बच्चे भी हो गए, तो वो क्यों जगे, क्यों नहीं जगे भाई। तो चलिए गाइस आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। एंड आपने देखा, ये दिखा है क्या, हाँ ये दिखा है ना, वो तो मैंने वीडियो में ही पहना था, मस्त आइटम है ना। तो कल हम लोग जाएंगे कुछ अच्छा खरीदने के लिए, कल परसों दो दिन मेरी चांदी चांदी है।
अच्छा मतलब पहले इसी कुछ ये इसने ऑलरेडी ऑलरेडी कुछ ना कुछ बकवास करी है क्या? बकवास? हाँ आप भी नहीं बोला है पहले जब मैं तो सिर्फ ऐसी हवा में बोल दिया था तो मतलब एनीवे देखना आप दो दिन मेरी चांदी चांदी है दो दिन मेरी चांदी चांदी तो इसको एक चांदी का सिक्का दे देते हैं नहीं चाहिए मुझे चांदी का सिक्का दिवाली में इतने सारे चांदी के सिक्के मिले सब रखे हुए नहीं चाहिए तो चलिए गाइस मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वाले ब्लॉग में न्यू ट्राइपॉड के साथ में तब तक के लिए बाय बाय टेक केयर लॉट्स ऑफ लव गुड नाइट टेक केयर स्वीट ड्रीम बाय 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 सी यू चलिए बंद करो